तो वेलकम फ्रेंड्स, 20 दिन के बीपीएससी क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। तो सॉरी, आज हमारा छठा दिन है इस कोर्स का। आई होप अभी तक आप रिवाइज सही कर रहे हैं, कोर्स के साथ ही चल रहे हैं। छठे दिन हम लोग आज करंट अफेयर जो मार्च महीने का है वो कवर करेंगे। ओके, तो हम लोग आज करंट अफेयर्स मार्च महीने का कवर करेंगे। अभी तक हमने जो एक बार में रिवाइज को एक रिवीजन कर लूँ अगर, तो सबसे पहले दिन हमने पॉलिटी का समरी किया था पूरा। उसके बाद हमने जनवरी महीने की करंट अफेयर्स किए। देन वी कंप्लीटेड द ज्योग्राफी, फिर फेब्रवरी महीने का, फिर कल हमने इको करा था, और आज हम मार्च महीने का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये करंट अफेयर्स का जो मंथली डाइजेस्ट मार्च का, हम मैंने लास्ट बार की तरह ग्रेड अप से लिया है। उनकी करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे हैं। तो बैंकिंग सेक्टर से जो इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है इवेंट था इस साल का। आरबीआई ने बैंक ऑफ जापान के साथ एक बायलेटरल स्वाप अरेंजमेंट साइन करा है। बायलेटरल स्वाप अरेंजमेंट ये करेंसी से रिलेटेड है कि इंडियन रुपीज़ और जैपनीज येन के बीच में एक डील हुई थी। ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि जो बायलेटरल स्वाप अरेंजमेंट करेंसी की है वो इंडिया ने किसके साथ साइन की है, तो वो जापान के साथ की है। ठीक है, अपॉइंटमेंट मैंने आपको उस दिन भी कहा था, अपॉइंटमेंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसको आप इग्नोर करेंगे। वो आपको जहाँ भी अगर करंट में मिलता है कि कोई अपॉइंटमेंट हुई है किसी बैंक में, किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। देन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो बेस्ट बैंक अवार्ड है वो इंडियन बैंक को दिया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने 250 मिलियन US डॉलर्स का जो एक एड है वो प्रोवाइड करने की बात कही है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट को, दैट विल बूस्ट द रूरल इनकम्स अक्रॉस 13 स्टेट्स। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली वुमेन जो रूरल हाउस होल्ड्स में हैं उनको हेल्प करेगी टू डेवलप अ वायबल एंटरप्राइज फॉर फार्म एंड नॉन फार्म प्रोडक्ट। फिर यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक 20 रुपये का 12 एज्ड यानी पॉलीगॉन, दैट इज डोडेगे, क्योंकि 12 को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, जो मैथमेटिक्स लैंग्वेज में डोडेकेगोन बोलते हैं, तो उस शेप का कॉइन तो लॉन्च किया है। तो एग्ज़ाम में पूछेगा कि किस मतलब कितने रुपए का जो कॉइन है, तो 20 रुपए का कॉइन है। ओके, और साथ में कॉपर जिंक और निकेल से बना हुआ है। और आपको मैंने बताया था कल भी कि जो कॉइन्स हैं दे आर मेड बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। उसके बाद वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, ये अभी आप इसको इग्नोर करिए क्योंकि ये मार्च की रिपोर्ट है, इसमें 11th रैंक है। बट मैं आपको जो रीसेंट रिपोर्ट अगस्त की आई हुई है, एज पर अगस्त इंडिया जो है वो टॉप 10 में आ गया है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के। ओके, सो दिस इज नो लॉन्गर राइट बिकॉज इंडिया ने नीदरलैंड्स को रिप्लेस करके 10th रैंक जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के गोल्ड होल्डिंग में अचीव कर लिया है, 10th रैंक। तो ये आप करेक्शन कर लीजिएगा इस पीडीएफ में। आफ्टर दैट जो इम्पोर्टेंट है ये आपको एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि जो IDBI बैंक है उसको टोटली जो है मेजोरिटी स्टेक उसमें LIC ने एक्वायर कर लिया है। तो LIC ने अब ओन कर लिया है IDBI बैंक को। तो ये आप एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद
स्विफ्ट ऑपरेशंस। बेसिकली स्विफ्ट जो एक ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक बैंक से दूसरे बैंक के ट्रांजेक्शन के बीच में यूज किया जाता है। ये मनी ट्रांसफर में कोई हेल्प नहीं करता है, बस एक ये मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो क्वेश्चन आपसे इससे कहाँ से पूछेगा कि जो स्विफ्ट है वो समटाइम्स न्यूज में जाना जाता है, ये किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है कि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। फिर यूएन का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो पब्लिश हुआ है उसमें फिनलैंड जो है वो सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री डिक्लेयर किया गया है। इसको में इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिया का जो पोजीशन है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पिछले बार से 133 से वो 140th प्लेस पे चले गया है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और जो रिपोर्ट है इसको जो पब्लिश करती है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और यूएन। के बाद आरबीआई ने रिसेंटली मार्च महीने में एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है जो डिजिटल पेमेंट्स को और डिपेंड करने के लिए रिकमेंडेशंस लेने के लिए बनाई गई है कि डिजिटल पेमेंट्स और किस तरह से और स्ट्रांग हो सकता है और किस तरह से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके थ्रू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। तो इसका जो चेयरपर्सन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो ये आते हैं कि रिसेंटली या पैनल हैज़ बीन फॉर्म्ड और कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड टू लुक आफ्टर द डिजिटल पेमेंट, तो नंदन नीलेकानी। ठीक है, ऑबिचुअरीज आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, किसकी डेथ हुई है ये क्वेश्चंस रेयरली पूछे जाएंगे तो आप इसको सीधा स्किप कर सकते हैं क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसको ज़्यादा देखेंगे हम। डेज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये एक एनुअल डे है जो कि यूएन मनाता है और साथ साथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कब मनाते हैं, 1 मार्च को। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, रिमेंबर 1 मार्च। ठीक है, एक सेकेंड। और इंडिया ने इस ओकेजन को यूज किया था जो एलजीबीटी के खिलाफ, कम्युनिटी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होती थी उसके खिलाफ। फिर वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। ठीक है, इस बार का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2019 का थीम था, दैट वाज लाइफ बिलो वाटर फॉर पीपल एंड प्लानेट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये आपको पता है, 8 मार्च। और इस बार जो यूएन का इंटरनेशनल वुमेन थीम जो था वो था थिंक इक्वल बिल्ड स्मार्ट इनोवेट फॉर चेंज। ओके, वर्ल्ड स्लीप डे 15 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये भी इम्पोर्टेंट है, दैट इज 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च अगेन। पोएट्री डे भी 21 मार्च। और साथ साथ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये भी 21 मार्च। सो अब 21 मार्च आई डोंट थिंक क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस दिन मनाई जाती हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार हुआ भी था हमारे यहाँ, थीम भी इस बार का था लिविंग नो वन बिहाइंड, दिस इज एन एडेप्शन ऑफ सेंट्रल प्रॉमिस ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वर्ल्ड वाटर डे जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च, और इस बार का थीम था ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि ये बिहार का ओरिजिन डे माना जाता है। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, मेकिंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। इस दिन जो था, जो कि बिहार जो है वो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था 1912 में, इसलिए बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च, इस बार का थीम था द सन द अर्थ एंड द वेदर। वर्ल्ड टीवी डे, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं इंडिया में, इंडिया में अभी न्यूज़ में चल रहा है टीवी, तो 24 मार्च इज वर्ल्ड टीवी डे। ये इंपॉर्टेंट डेज थे मार्च महीने के।
अपॉइंटमेंट्स में अनटिल एंड अनलेस किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे हो, किसी इम्पोर्टेंट बॉडी के ऊपर हो, तब तक के उसके अलावा इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि अब इंडिया के एम्बेसडर टू वियतनाम, दिस इज नॉट रिलेवेंट, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है हमारे। ये फाइनेंस कमीशन जो 15th है, उसमें एक मेंबर जो थे शशिकांता दास, क्योंकि वो आरबीआई गवर्नर बन गए, तो उनकी जगह जो दूसरा एक मेंबर बनाया गया है, दैट इज अजय नारायण झा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन शशिकांता झा को रिप्लेस किया किसने। ओके, तो अजय नारायण झा। के बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक सीनियर एडवोकेट को एज अ मेडिएटर अपॉइंट किया है, जो कि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको रिजॉल्व करेगा। ये इम्पोर्टेंट है। पीएस नरसिम्हा इंडिया के पहले लोकपाल जो बने गए हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट हैं। तो पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पीसी घोष, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं। फिर से जो क्रीमी लेयर का ओबीसी में क्राइटेरिया है, उसको रिविजिट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है, और उसको जो लीड कर रहे हैं वो हैं पीपी शर्मा। उसके बाद नथिंग इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड, सॉरी, कुछ एमओयूज जो साइन हुए वो नहीं इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रोज ही 50 एमओयू साइन होते हैं। डीआरडीओ ने क्विक रीच सरफेस टू एयर मिसाइल QRSAM जो है वो चंडीपुर उड़ीसा कोस्ट से टेस्ट फायर किया है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि QRSAM जो है उसको DRDO ने बनाया है, साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के थ्रू, इंडियन आर्मी के लिए। फिर श्रेयस स्कीम, ये आपको बताया था, उस दिन भी मैंने बता दिया था। श्रेयस स्कीम लॉन्च की गई है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा, जो हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिस स्किल्स के लिए को ये प्रमोट करेगा। हाँ, IRCTC ने IRCTC IP लॉन्च किया, अपना ओन डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो ये ऑप्शंस प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या फिर नेट बैंकिंग वगैरह उसके लिए। इसरो ने एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका नाम है युवा विज्ञानी कार्यक्रम। ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है। ओके, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज इन जम्मू कश्मीर। गूगल ने एक नया फ्री ऐप लॉन्च किया है, जो कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हिंदी में पढ़ना और हिंदी और इंग्लिश में सॉरी पढ़ना सिखाएगी। ठीक है, तो उस ऐप का नाम है बोलो बोलो ऐप, ये गूगल की है। अर्बन अफेयर्स और हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है, उसने दो ऐप्स लॉन्च किए हैं, इधरती ऐप और इधरती जियो पोर्टल। इसमें बेसिकली जितने भी मॉड्यूल्स हैं, कन्वर्जन, सब्स्टिट्यूशन और म्यूटेशन, इससे प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस सबको ऑनलाइन डाल दिया गया है, उसके लिए है ये। बाद
आहार जो है वो एक इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर है जो कि इस बार न्यू दिल्ली में हुआ है, इसका 34th एडिशन। ठीक है, इंडिया श्रीलंका के बीच में एक जॉइंट एक्सरसाइज हुई मित्र शक्ति, उस दिन भी एक मैंने बताया था आपको संप्रीति एक्सरसाइज, अब मित्र शक्ति। तो एक्सरसाइजेस के नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है, और दिस एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व टेक्टिकल लेवल ऑपरेशन इन इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म इन्वायरमेंट अंडर यूनाइटेड नेशन मैंडेट। फिर जो ये इम्पोर्टेंट है मिशन शक्ति, मिशन शक्ति में बेसिकली इंडिया ने अपना पहला एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया, जिसमें उसने एक लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय किया। बेसिकली एंटी सैटेलाइट जो कैपेबिलिटी है वो जो भी आपके एरिया में आपके कंट्री के ऊपर जो लो अर्थ ऑर्बिट है उसमें अगर कोई सैटेलाइट आपके ऊपर मैनूवर कर रही है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज हो रही है वहाँ पे ऊपर, तो ये कैपेबिलिटी है कि इंडिया अपने ग्राउंड से सैटेलाइट लॉन्च करके उस सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया और इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री की इस कैपेबिलिटी होने का US, रसिया और चाइना के बाद। CBSE ने एक पॉडकास्ट ऐप रिलीज किया जिसका नाम है शिक्षा वाणी, जो कि क्रूशियल इन्फॉर्मेशन देगा स्टूडेंट और पेरेंट्स को टाइमली मैनर में। ठीक है, इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म एक बुक लॉन्च की है एनके सिंह ने, बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनके सिंह जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन है। स्टेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज, अगर कोई स्कीम्स है तो वो देखेंगे हम लोग, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ बिहार का न्यूज अगर कुछ है तो ही देखेंगे। अमेठी में PM ने एक फैक्ट्री इनॉग्रेट की है दैट विल बी मेकिंग AK-203 राइफल्स, और ये राइफल जो है ये लोग रिप्लेस करेंगे AK-47 राइफल्स को। ठीक है, ये लेटेस्ट वर्जन होगा AK-47। तो और कोई बिहार से तो न्यूज़ अभी तक मुझे दिखा नहीं। फिर वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट न्यूज़ कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकती है, ये संप्रीति फिर से आ गया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया बांग्लादेश की। ओके, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 47th है, ये रिलीज़ किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने। ये कौन रिलीज़ करती है इंडेक्स और रिपोर्ट्स वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए रैंक से ज़्यादा। ओमान और इंडिया के बीच में एक मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है अल नागा 2019, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडिया और ओमान अल नागा। उसके बाद सत्रह अफ्रीकन नेशन के आर्म फोर्सेस के साथ इंडियन आर्मी ने एक 10 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट किया था पुणे में, जिसका नाम था F-INDEX-19। तो AF से अफ्रीका, IN से इंडिया समझ लीजिए, और एक्सरसाइज 19। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कजाकिस्तान ने अपना कैपिटल जो है जो पहले अस्ताना हुआ करता था उससे चेंज करके नूर सुल्तान कर लिया है। ओके, ऑनर और अवार्ड्स अगर कोई इम्पोर्टेंट होगी तो वो मैं भी कवर कराऊंगा, जैसे इंदौर
हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट सिटी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में। अब स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 तो ये हो गया इम्पोर्टेंट, बट स्वच्छ सर्वेक्षण जो है इंदौर को बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है। ओके साथ साथ और देखें अगर इसमें इम्पोर्टेंट, सेकेंड और थर्ड पोजिशन वो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ और मैसूर कर्नाटक को दिया गया है। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल को क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी का अवार्ड दिया गया है। ये सारा है हाँ। अब नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रेसिडेंट ने दिया दिल्ली में। नारी शक्ति पुरस्कार जो है वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वुमेन के लिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है के बाद जो अभिनंदन थे जो इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर जिसको पाकिस्तान में वो एक्सीडेंटली गिर गए थे, उनको वो पहले रेसिपेंट होंगे भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार के। ओके ये इसी साल स्टार्ट हुआ था तो वो फर्स्ट रेसिपेंट बनेंगे इसके। तो फर्स्ट अगर किसी भी अवार्ड का होता है तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्रोएशिया का दिया गया जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लैव। तो ये इम्पोर्टेंट आपको है कि ये अवार्ड किस देश का है, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लैव रामनाथ कोविंद को दिया गया, वो क्रोएशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। स्पोर्ट्स न्यूज़ से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। अगर किसी इंडियन ने कुछ वर्ल्ड वाइड ग्लोबली अच्छा किया है तो वो इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद तो ओवर ख़त्म हो गया हमारा ये करंट अफेयर जो है मार्च महीने का। अब हम लोग क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी जनवरी महीने की बिहार की करंट अफेयर्स डिस्कस कर ली थी जनवरी के करंट अफेयर्स के साथ। फेब्रुअरी वाले दिन आई मिस्ड, तो आज मैं फेब्रुअरी एंड मार्च दोनों के बिहार के करंट अफेयर्स डिस्कस करूँगा, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का फेब्रुअरी का करंट अफेयर अगर देखें तो बिहार का बजट आया था 2019-20 में, 19-20 का बजट जो फरवरी में हुआ था तो सुशील कुमार मोदी ने प्रेजेंट किया। तो बिहार हैज़ फिनिश विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट अमंग ऑल द स्टेट्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस किया था। मैक्सिमम एलोकेशन जो दिया गया है वो एजुकेशन सेक्टर को दिया गया है, और आपको इसके लिए वरी नहीं करना है, बिहार बजट में स्पेशली डिस्कस करूँगा। ओके तो बिहार बजट विल बी डिस्कस सेपरेटली, तो कोई नई स्कीम्स वगैरह जो है वो बिहार गवर्नमेंट एक स्कीम अनाउंस की जिसका नाम है मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना। ठीक है इसमें जो ये स्कीम है इट कवर्स द पर्सन अबव द एज ऑफ 60, अगर उन्हें कोई और पेंशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है तो ₹400 पर महीना डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल फैमिली और कास्ट स्टेटस सबके, और जो 80 से ऊपर है उनको ₹500 पर महीना। और जो बिहार है ये इसलिए ये स्कीम इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार जो है वो पहला स्टेट बना है जिसने एक यूनिवर्सल ओल्ड एज पेंशन स्कीम लॉन्च की है कि बिना किसी क्राइटेरिया के जो भी 60 से ऊपर का उसको मिलेगा। फिर गंगा बेसिन के जो स्टेट्स हैं वो दे स्टीयर एट द 3-4 राइज इन क्रॉप फेलियर बाई 2040। तो वर्ल्ड बैंक की एक असेसमेंट के अकॉर्डिंग जिसने सेंट्रल वाटर कमीशन गंगा रिवर बेसिन में देखा है कि जो स्टेट्स हैं दे कैन सी क्रॉप फेलियर्स 3-fold बढ़ सकता है, और ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज जो 40% तक जा सकती है। रिपोर्ट कहता है कि उत्तराखंड हिमाचल उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर लाइकली टू फेस अ डेफिसिट इन इरिगेशन वाटर ऑफ 15% बिहार के लिए रिस्पेक्टिवली। ठीक है
बिहार के गवर्नर जो है लालजी टंडन और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह, जिन्होंने ज्वाइंटली मिलकर 3 दिन का कृषि कुंभ मोतिहारी मोतिहारी बिहार जो चंपारण में है वहां पे इनोग्रेट किया, 3 दिन का कृषि कुंभ। ठीक है, कृषि कुंभ तो ये मोतिहारी में चंपारण के पास हुआ था। ये फरवरी का बिहार का करंट अफेयर था। मार्च की बात करें, पता है आपको बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर बक्सर में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए कैबिनेट की अप्रूवल मिल गई। ठीक, और ये प्रोजेक्ट है इसको इम्प्लीमेंट करेगा SJVN थर्मल प्राइवेट लिमिटेड। फिर गोल्डन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 का जो है उसमें जो पॉवर्टी रेट इंडिया की है उसमें ड्रास्टिक डिक्रीज देखा गया है, सीधा 55% से 28% जा चुका है। ठीक है, और इंडेक्स में ये देखा जाता है कि जो 2005, 6 और 15, 16 के बीच में एटलीस्ट 271 मिलियन लोग जो है पॉवर्टी से बाहर निकल गए। लेकिन जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, क्योंकि जो फोर पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया में अभी भी बिहार, झारखंड, यूपी और MP है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने डिसाइड किया है, एक प्लेज ली है कि इट विल मेक बिहार फ्री फ्रॉम TB बाई 2025। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ये इनिशिएटिव है। ये मार्च का करंट अफेयर्स था आपका। तो अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, टॉप 75 क्वेश्चन गेटअप ने कंपाइल किया है मंथ मार्च महीने के करंट अफेयर्स से। जैसे कि व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019, तो इसका आंसर है बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। एविएशन कॉन्क्लेव 2019 का थीम क्या है, तो फ्लाइंग फॉर ऑल। उसके बाद किस मेंस क्रिकेट टीम ने हाईएस्ट एवर टोटल T20 क्रिकेट का रिकॉर्ड सेट किया है, दिस क्वेश्चन वाज इवन आज इन KBC। तो अफगानिस्तान ने रिसेंटली अभी हाईएस्ट स्कोर T20 में स्कोर किया है। प्रणाम कमीशन, ये आपको मैंने कवर किया था कि असम में ये स्टार्ट हुआ है। फिर ये भी मैंने बोला था आपको कि केरला ने ह्यूमनाइड पुलिस रोबोट लॉन्च किया है, KP बॉट। फिर यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम मैंने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया हमने कि इसरो ने लॉन्च किया है। फर्स्ट लोकायुक्त नागालैंड के जो है वो उमानाथ सिंह बने हैं, और फर्स्ट लोकपाल जो हमने अभी डिस्कस किया था वो PC घोष। ओके, फिर नेशनल वॉर मेमोरियल PM ने इनॉग्रेट किया है दिल्ली में इंडिया गेट के पास। फिर क्लीनेस्ट बिग सिटी जो है किसको बोला गया है, तो आपको पता है कि बिग सिटी में क्लीनेस्ट जो है वो अहमदाबाद है और स्मॉल सिटी में इंदौर। हरियाणा ने मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना एक लॉन्च की है। तो सारे करंट अफेयर्स टोटल 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन को आप प्लीज कवर कीजिए, और साथ साथ जो हमने करंट अफेयर डिस्कस किए उसको एक बार ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको छठा दिन है आज, आपको पूरा पहले के पांचों लेक्चर देखने हैं टाइम निकाल के, अगर अभी आप आज ज्वाइन कर रहे हैं तो, और अगर आप ऑलरेडी हमें फॉलो कर रहे हैं तो आज करंट अफेयर्स के पढ़ के साथ साथ क्वेश्चन भी आज ही आपको कर लेने हैं रात तक, ताकि कल जब हम फिर नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग वहाँ से इसको स्टार्ट कर सकें। जैसे कि कल का हमारा टॉपिक है मिडेवल एंड एंशियंट हिस्ट्री आई गेस, तो हम लोग वो करेंगे कल। तो तब तक आपका ये जितना 6 दिन का कोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ओके, तो प्लीज़ आपके लिए और मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने ज़्यादा लोग हो सके उनसे शेयर कीजिए, और इवन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अगर नहीं करेंगे तो आपको PDF नहीं मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल सारा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन करिए, और साथ साथ सारे PDFs भी आप लोग वहाँ पे आपको मिल सकता है। ओके, थैंक यू सो मच, कल आपको हम मिलेंगे 7वें दिन के साथ। आई होप कि वी आर गोइंग गुड। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का डिस्कशन चैनल भी है, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमसे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।